हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर लिया, जिसके बाद अब उनसे जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। चुनावी हलफनामे से ये जानकारी सामने आई है कि पूर्व वित्त मंत्री और नारनौद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु 417 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार है। कैप्टन अभिमन्यु ने हलफनामे में बताया कि उनके परिवार के पास 369.03 करोड़ रुपए की चल और 47.96 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उन्होंने 251 करोड़ के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में निवेश किया है। कैप्टन अभिमन्यु के पास 21.53 लाख रुपए के सोने के जेवर और अन्य कीमती सामान है। उधर हिसार सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी सावित्री जिंदल ने अपनी संपत्ति 270 करोड़ रुपए बताई है। 76 साल की सावित्री के पास 190 करोड़ रुपए की चल और 80 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां और प्रसिद्ध उद्योगपति दिवंगत ओपी जिंदल की पत्नी है। वो हरियाणा के मंत्री कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास और उनकी पत्नी के पास क्रमशः 7.20 करोड़ रुपए और 19.28 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। हुड्डा द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास कोई वाहन नहीं है, लेकिन 1.32 करोड़ रुपए के सोने के जेवर और 23.25 लाख रुपए के चांदी के जेवर हैं। हुड्डा के पास एक राइफल और एक पिस्तौल भी है। चुनावी हलफनामे के अनुसार इंडियन नेशनल लोक दल नेता अभय सिंह चौटाला ने 61 करोड़ रुपए घोषित अपनी संपत्ति की है, जिसमें उनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है। चौटाला ने 37.31 करोड़ रुपए और 23.70 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति घोषित की है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 2 ट्रैक्टर, 1 जीप और 4 कारें हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास 82.08 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उचाना कला से चुनाव लड़ रहे दुष्यंत ने 35.73 करोड़ रुपए और 46.35 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति घोषित की है।